दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माँ राममूर्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ, आपको उन नंबर का स्केल बताने जा रहा हूँ जिनके लास्ट अक्षर 5 है, जिनका लास्ट डिजिट 5 है, उन नंबर का स्केल हम विद इन सेकंड किस तरह से आंसर दे पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा कुछ मल्टीप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले 35 का स्केल, जैसे हमने 35 का स्केल करना है, 35 का स्केल करना है, तो इसमें हमने कुछ नहीं करना। 35 के स्केल का मतलब 35 की दो बार मल्टीप्लाई कर दिया आपने। आपने क्या किया, 5 को दो बार मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा, उसको बाद पीछे लिख दिया। तो 3 के बाद जो अगला नंबर है वो क्या है, 4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे लिख गया 12 × 25। सो 35 का स्केयर, 35 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 45 का स्केयर करना है। 45 स्केयर मीन्स 45 × 45, इट मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, फिर 4 से अगला अक्षर जो क्या है वो है 5, 4 से अगला नंबर 5 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20। हमें 55 का स्केयर करना है दोस्तों। तो 55 का स्केयर मीन्स 5 को दो बार मल्टीप्लाई करो 25, तो 5 से अगला नंबर क्या है 6, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, आपके पास आंसर आएगा 30 25। आपको 65 का स्केयर करना है, तो 5 का स्केयर जब आप करेंगे तो 25, तो 6 से अगला जो अक्षर है वो है 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 42 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हमें 105 का स्केयर करना है, तो 105 का स्केयर में सबसे पहले 5 का स्केयर करेंगे, 5 का स्केयर हमारे पास आ गया 25, फिर 10 से अगला जो अक्षर है, 10 से अगला जो नंबर है वो क्या है 11, तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 110। इसी तरह से दोस्तों हमें 125 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, इट मींस 125 को 125 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 से करेंगे आप लोग 25, तो 12 से अगला जो नंबर है वो क्या आएगा 13, तो फिर 12 और 13 की मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 156। दोस्तों इस वे से हम किसी भी नंबर का स्केयर कर सकते हैं जिसका लास्ट जो डिजिट है 5 है, जिसके आखिरी अक्षर 5 है, उसका हम स्केयर इस फार्मूले से हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं कुछ और फार्मूले बताने जा रहा हूं जो है मल्टीप्लीकेशन के। जैसे हमारे पास 36 की मल्टीप्लाई करनी है 34 के साथ, दोस्तों ध्यान रहे जो फार्मूला मैं देने जा रहा हूं उसमें लास्ट दोनों डिजिट्स का जो सम है यानी 6 + 4 वो 10 होना चाहिए, और आगे वाले जो डिजिट हैं, जो पहले जो अक्षर हैं, वो सेम एक जैसे होने चाहिए, तब हम उसको फार्मूले भी यूज कर सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24, और 3 से अगला जो अक्षर है वो क्या है 4, यानी 3 से अगला नंबर जो है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, तो आप 36 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1234। जैसे मुझे 6 4 की मल्टीप्लाई करनी है 6 6 के साथ, अगे आप लोग 6 और 4 की जो प्लस है वो 10 है, तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करो 24, और 6 से अगला जो नंबर है वो क्या है 7, 6 की 7 से मल्टीप्लाई करो 42। दोस्तों मुझे करना है 81 को मुझे 89 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन 9 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना आपने 9 को, तो फिर इससे आगे 0 आप अपनी तरफ से डाल देंगे ताकि वो 2 डिजिट का नंबर बन जाए। इसके बाद 8 से जो अगला नंबर है वो आएगा 9, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 7209। इसी तरह से आप किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जिसके जिन दो नंबरों के लास्ट के डिजिट का जो सम है 10 आना चाहिए और अगले जो डिजिट है वो सेम होने चाहिए। जैसे मुझे दोस्तों 102 की मल्टीप्लाई करनी है 108 के साथ, आपने देखा इन दोनों का सम 10 है लास्ट के और अगले जो नंबर है वो सेम है, तो आपने कुछ नहीं करना, 8 की 2 से मल्टीप्लाई की 16 और 10 में से अगला जो नंबर है वो क्या है 11, तो 10 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, तो 102 की 108 के साथ मल्टीप्लाई जब आप करोगे आपके पास नंबर आएगा 110 16। तो नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट वीक में हमने 50 से 60 के बीच के नंबर का स्केयर करेंगे हम, नंबर जो 50 और 60 के बीच में आते हैं उन सभी नंबर का हम स्केयर करेंगे। जैसे हमारे पास 51, हमने 51 का स्केयर करना है, 51 के स्केयर मींस 51 की 51 से मल्टीप्लाई हमने करनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्केयर आएगा 1, और मैंने पहले भी बताया है कि आपको 2 डिजिट कंप्लीट करने हैं तो इसके आगे आप लगा लेंगे 0। अब आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2601। दोस्तों मुझे 52 का स्केयर करना है, 52 का स्केयर करना है यानी 52 की 52 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास 2 जा 2 की 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 डिजिट का नंबर बना लिया मैंने, इसके आगे 0 लगा दी। फिर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, 25 में 2 ऐड करेंगे आप लोग, 25 प्लस 2 यानी 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, 25 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 27। दोस्तों हमने 53 की मल्टीप्लाई करनी है 53 के साथ, यानी 3 का स्क्वायर 9, आगे 0 लगा दे ताकि 2 डिजिट नंबर बन जाए। उसके बाद 25, 5 की 5 से 25, 25 में 3 ऐड करेंगे 28। तो दोस्तों हमें 57 का करना है, तो 57 को 57 से मल्टीप्लाई, 77 जा 49, ऑलरेडी 2 नंबर का है, 2 2 डिजिट नंबर है। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, 25 में ऐड करेंगे आप 7, तो 25 प्लस 7 32, 49। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास 59 का स्केयर करना है, सपोज करो तो 59 को 59 से मल्टीप्लाई करना है, इट मींस 9 का स्केयर 81, 5 को 5 से 25, 25 में 9 ऐड करेंगे 25 प्लस 9 34। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्केयर हम कर सकते हैं जो 50 से 60 के बीच में है। तो जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आए होंगे, इसलिए आप लोग मेरे, अगर आपको पसंद आए होंगे तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।